अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा व्लॉग है ये हम जो है वो सफारी पार्क कराची में आए हुए थे तो बहुत मुश्किल से टिकटें मिली हैं। ये देखें कितनी लंबी लंबी जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। तो पर हेड जो है वो 100 रुपये की टिकट है, जो कि 3 साल से जो बच्चा है 3 साल का उससे ऊपर जितने भी हैं सबकी 100 की ही टिकट है। और इसके अलावा जहाँ की जो टाइमिंग है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 3 बजे शुरू होता है दिन के अंदर दोपहर में ना, तो उससे पहले अगर आप भी जाएंगे आप तो आप जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि 3 बजे इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप पहले आ जाते हैं तो पहले आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम जो है वो इंटर हो रहे हैं, तो ये भाई जो खड़े हैं तो ये अंदर इंट्री के जो है वो टिकट ले रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि ये सारा जो है ना वो फैमिली पार्क है, यहाँ पर बनाया हुआ है, बग़ैर फैमिली के अंदर नहीं आने देते, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं कि कौन कौन से डायनासोर या कौन कौन से जो हैं वो एनिमल्स अंदर मौजूद हैं उसकी ये पिक्चर्स लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखें ये ब्यूटीफुल जो है वो एरिया है, बहुत अच्छा मैनेज किया है। ये देखें डायनासोर का बच्चा जो कि वापस जो है वो एक में चला गया है, तो अभी ये दोबारा जो है वो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो है ना वो बच्चे बार बार जाके छेड़ रहे हैं उसको, तो उसके साथ बच्चे जो है वो डर भी रहे हैं। तो कहीं वो देखें लड़की कैसे डरी है, तो वो बच्चे जो है वो आगे जाते हैं पर डरते भी हैं कि कहीं कोई काटी छाटी ना कर ले। तो ये देखें तमाम बच्चे छेड़ रहे हैं, वो भी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो छोटा सा डायनासोर है जो अभी एग के अंदर है, गर्दन हिला रहा है, उसके बाद वापस एग में चला जाएगा। तो ये मैं आपको जो है वो तफसील से तमाम चीज़ें दिखाऊँगा ताकि अगर जो कराची के अलावा लोग हैं वो भी देख सकें कि सफारी पार्क में क्या कुछ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो 2 डायनासोर हैं, यहाँ पर 2 एनिमल हैं, तो इनको इनके ऊपर जो है ना वो बच्चे बिठाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ये है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है तो भाई मुझे आइडिया नहीं है। तो बहरहाल इसके ऊपर बच्चे हैं, इधर पीछे भी एक और था, तो ये बस गोल दायरे में घूम रहे हैं, ठीक है। ये एग है खाली, तो बच्चे इसके अंदर गए हुए हैं। तो वैसे मेरी जो है वो इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो है वो जंगला जो है वो 3 फुट का कम से कम जो है वो जंगला लगा देना चाहिए, वरना यहाँ पर जितने लोग हैं ना, ये देखें आप कितना ज़्यादा रश है, लेकिन ये अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि ये जो है वो 3:15 का टाइम है, 3:30 के दरमियान ना, तो अभी रश होना शुरू हुआ है। तो 3 बजे जो है वो इसकी एंट्री शुरू होती है, तो अभी तो रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अभी बहुत कम रश है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ये देखें बच्चे अंदर जा रहे हैं, तो जो है वो डायनासोर को हाथ लगा रहे हैं, छेड़ रहे हैं, पौधों को भी नुकसान, ये देखें भाई जो है वो उनको हटा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह जो है ना वो आपको बंदे नज़र आएंगे जो कि बच्चों को या बड़ों को हटा रहे हैं कि बाहर जो है वो आप निकल जाएं, बाहर से सिर्फ जो है वो रोड पे या जो फुटपाथ बनाई हुई है उन्होंने चलने के लिए उसके ऊपर ही आप जो है वो देखें, तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं, जो कुछ करना है वहीं पर करें, लेकिन भाई पब्लिक कहाँ कंट्रोल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पब्लिक बार बार जो है वो तंग करती है उनको भी। ये देखें ऊपर भी एक परिंदा है, यहाँ पर भी एक डायनासोर खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल भी बता रहा हूँ और इसके साथ साथ जो है वो इंतज़ामिया की नज़र भी जो है अगर इस पे पड़ जाए कि यहाँ पे एक जंगला लगा दें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो लोगों ने तोड़ देनी है, ठीक है। तो ये एक तफरी का मुकाम है कराची वालों के लिए। डायनासोर ये देखें कितना बड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसका जो है ना वो एक हाथ सुनने में आया कि काट दिया है, ठीक है, वो ख़राब हो गया या क्या हुआ। ये देखें एक बाजू जो है ना वो इसका हिल रहा है जबकि दूसरा नहीं हिल रहा, वो ख़राब हो गया। तो भाई ये किसी ने पंगा लिया होगा इसके साथ। तो खैर बहरहाल हम आगे चलते हैं। ये देखें चलो जी, ये के मुँह क्यों खोल के खड़ा है, चलो इसके मुँह में देखते हैं कि क्या कुछ है, अंदर कुछ नज़र आ रहा है या नहीं। तो भाई हमें कुछ नहीं नज़र आया, चलो छोड़ो। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह फैमिलीज़ आई हुई हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। तो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर जो आवाज़ें थी, जो वॉइस थी, वो वैसे ही रहने दिया है ताकि आप भी इंजॉय कर सकें, और शोर जो है वो आपको कहीं शोर नज़र आएगा, कहीं आवाज़ें नज़र आएंगी। तो वीडियो के शुरू में तो मैंने जो है वो कट कर दी थी वॉइस, और आगे मैंने खुद जानबूझ के लगाई हैं ताकि आप जो है वो ज़्यादा इंजॉय कर सकें। ये देखें ये भी एक एनिमल है और ये भी जो है वो अपने कर्तव्य दिखा रहा है। ये सारे रबड़ के बने हुए हैं, ठीक है, तो रबड़ के बने हुए हैं और चार्जिंग पे चल रहे हैं, बैटरियां वगैरह पे चल रहे हैं, और काफ़ी जो है वो दिन ब दिन इनकी बैटरियां डो नहीं होती जा रही हैं। तो इसलिए अगर आप कराची में रहते हैं तो मेरी यही आपसे जो है वो मैं कहूँगा कि आप फिल फोर यहाँ पर आएँ। चलो
तो ये सामने कंट्रोल रूम है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से जो है वो कंट्रोल करते हैं एनिमल्स को। तो बहरहाल हम उसके बाद जो है वो यहाँ पर आए, घूमते रहे, क्योंकि हम थोड़ी देर जल्दी आ गए थे, हमें पता था कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाए, यहाँ चलने की जगह नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो उसके बाद जो है वो एंट्री के लिए लाइन जो है वो लगी, हम थोड़ा आगे निकल गए घूमने फिरने के लिए। जब वापस आए तो ठीक ठाक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो खैर हम भी फिर लाइन में खड़े हो गए, हमने भी हिम्मत नहीं हारी, तो हमने कहा ले भाई कर ले, चलो खड़े हो जाते हैं, देखते हैं। तो खैर एक ना एक टाइम तो नंबर आ ही जाता है, वो स्पीड से नंबर आ रहा था और जो है वो स्टाफ बहुत जल्दी टिकटें दे रहा था। तो मैंने ये सारा जो है वो पहले एक दफ़ा मैं घूम चुका हूँ, ठीक है, छोटा सा एरिया है लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो फैमिलीज आगे खड़ी हैं, वाइफ और बच्चे जो है वो बाहर के निकलने वाले रास्ते पे खड़े हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब रेडी हैं वहाँ पे। मैंने सोचा कि एक वीडियो में जो है वो दोबारा से बना के ले आऊँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये भी जो है वो माशाल्लाह मुँह खोल रहा है, तो लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। तो आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे जो है वो कुछ फैमिलीज़ जो है वो साथ फ़ोटो लेने की भी कोशिश करेंगी, तो वहाँ पे बंदा जो है वो उनको मना करता है कि भाई आप यहाँ पे फ़ोटो नहीं लें, ठीक है। ये देखें तो ज़बरदस्त भाई, चल बस कर थक ना जाना। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें कम करते हैं ताकि आपको बैकग्राउंड की आवाज़ें भी आ सकें। तो गाइस यहाँ पर हम जो है वो आगे चलते हैं, ये वाला डायनासोर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही आवाज़ें निकालता है, बल्कि सारे ही निकालते हैं, जितने भी हिलते हैं तो वो साथ साथ में आवाज़ें भी निकालते हैं, मूव करते हैं, तो इनमें जो है मूवमेंट भी होती है, साथ में साउंड सिस्टम है, आवाज़ें भी हैं। तो इसकी आवाज़ें मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो भाई इसके साथ जो है वो काफ़ी लोग फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये देखिए एक लेडीज़ आई है, इसको ये भाई मना कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फ़ोटो आप शूट नहीं करें अंदर आके। तो गाइस यहाँ पर अभी हम इसका साउंड सिस्टम सुनते हैं। चलें जी हमजा, चलें मरियम, इधर देखो, चलें बाय बाय, आ जाओ हमजा का हाथ पकड़ो मरियम का। तो गाइस यहाँ पर देखें बच्चों को जो है वो सींगों के ऊपर बिठाया हुआ है, जबकि बैठने की जगह नीचे है, तो चले जल्दी तोड़ने की तैयारी है इनकी। ये बाहर जाने का रास्ता है, मरियम
हाथ पकड़ो मुझे। तो गैस ये सामने जो है वो टिकट घर है जहाँ से आपको डायनासोर के अंदर जाने की जो है वो टिकट मिलेगी, यहाँ से हमने ली थी और यहाँ से हमने जो है वो अंदर एंट्री की थी, मैंने आपको दिखाया भी था। तो यहाँ पे वापस चलते हैं। चलें ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, ये जो बस खड़ी है इसमें तमाम लोगों ने जाने के लिए ये लाइन लगी हुई है। तो ये बस यहाँ से इनको जो है वो ज़ू में लेके जाएगी। तो गैस हमारा आज का विज़िट कंप्लीट हो गया है, सफारी पार्क डायनासोर हम देखने आए थे, आपको दिखा दिया है। ये देखें ये गेट है, यहाँ पर जो है वो अंदर एंट्री होगी यहाँ से और यहीं से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, आपने बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे सफारी पार्क की जो है वो सैर कर सकें और डायनासोर वगैरह भी देख सकें, बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर सकें, बच्चों को भी दिखाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।